क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान को एनडीपीएस कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि अब आर्यन खान को कुछ दिन और जेल में ही बिताने होंगे। 14 अक्टूबर को एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत की याचिका पर सुनवाई की थी और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। लेकिन दोपहर करीब 2:45 बजे जज ने जमानत पर फैसला सुनाया और आर्यन के वकीलों की याचिका खारिज करने का ऐलान कर दिया। 2 अक्टूबर को क्रूज पर हुई एक पार्टी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था और पिछले 14 दिन से वो मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद। हालांकि जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन देरी होने की वजह से उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई।